सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट। हेलो, आई एम शशि। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्वीट सी रेसिपी लेके आई हूँ, जिसका नाम है बिस्किट, जो हमें बेकरी की बिस्किट के नाम से हम जानते हैं। ये स्वीट बेकरी बिस्किट है, जिसे हम घर में कढ़ाई में बनाएंगे। तो देखिए, हमने कढ़ाई तैयार किया है बेक करने के लिए बिस्किट। इसमें हमने सॉल्ट बिछा दिए है। इस पर हमने एक सर्किल वाला स्टैंड लगाया, उसके ऊपर एक ये दूसरी तरह का स्टैंड इस तरह से हमने लगा दिया है। इसको हम प्री हीट होने के लिए 15 मिनट पहले ही इसको प्री हीट करने के लिए रख दे रहे हैं, और इसको हम कवर करके प्री हीट होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम चलिए दिखाते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इस बिस्किट को बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे देखिए बेसन ले रहे हैं, और बेसन के साथ हमने बिस्किट का पाउडर लिया है। पार्ले जी बिस्किट है, इसको हमने पीस के थोड़ा सा इसका पाउडर बना लिया है। ये थोड़ा सा हम सूजी यूज़ कर रहे हैं, और ये चीनी, ये हमारा देखिए ये चीनी हमने इसको मिक्सी में पीस के इसका पाउडर बना के रखा है। ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा 1/2 स्पून है, 1 स्पून बेकिंग पाउडर। सॉल्ट लिया है, ये वनस्पति घी है, और ये हमने कुछ मेवे लिए हैं, इसमें से चिरौंजी है, ये काजू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। तो सबसे पहले इसमें के लिए बड़ी सी थाली लेंगे, उसमें हमें सबको मिक्स करना है। तो ये थाली हम लेते हैं। देखिए, इसमें हमने बेसन को अच्छी तरह से पहले से छान लिया है, और इसको एक बार हम फिर छान लेते हैं। छन्नी लेके इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा करके बैटर को डाल के छानेंगे। या इस तरह से हम बेसन को डाल के छान लेंगे, और इसी तरह से हम सूजी और बिस्किट्स के पाउडर को भी सबको अलग करके छान लेंगे। इस तरह से देखिए छान के रख लेंगे, सब एक साथ पूरा तैयार करके रखेंगे। फिर हम इसका एक डो तैयार करना है हमको। तो इस तरह से हम एक एक करके तैयार कर लेते हैं। इसमें जो उसके पार्ट्स गुठलियाँ निकलती हैं उसको हम निकाल लेते हैं। इसको हमने एक बार छाना है, उसके बाद भी देखिए इस तरह से इसमें गिल्टियाँ निकल रही हैं, गुठलियाँ। तो आप इसको 2 बार कम से कम छान लीजिए, इससे बहुत स्मूथ सा डो बनता है। बिस्किट हमारा बिल्कुल जैसे बेकरी की बिस्किट होती है, इसी तरह से हमारे बिस्किट बन के तैयार होता है। इस तरह से हम बेसन अपना इस तरह छान लेंगे। ये बेसन हमारा 150 ग्राम बेसन है, और सूजी हमने 50 ग्राम सूजी लिया है, और ये 50 ग्राम बिस्किट का हमने पाउडर भी लिया है। इन सबको मिक्स करके हमें एक डो बनाना है, और उसी से हमें बिस्किट तैयार करनी है। इस तरह से हम सब छान लेंगे। ये जो मोटे पार्ट्स इसमें निकल रहे हैं इसको हम निकाल देंगे। इस तरह से छान लिया, और इसमें हम सूजी को भी छान लेंगे। तरह से हम सब छान लेंगे। हमने सब छान लिया, अब इसमें हम बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और ये सॉल्ट, इनको भी इसमें हम छान लेंगे। देखिए सब चीज़ छन गया है। इसमें हमने बिस्किट का पाउडर, बेसन, सूजी और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डाल दिया, सबको मिक्स कर दिया। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर अपने जितना मीठा आपको खाना उसी मीठे के अकॉर्डिंग अपना डालिएगा, जैसे आपको स्वीट पसंद होगा इस तरह से आप मीठा डाल सकते हैं। इसमें हमने देखिए 4 फुल स्पून हमने इसमें डाला है चीनी, 4 फुल स्पून हमने शुगर यूज़ किया। अब इसको अच्छे से सब मिक्स कर देंगे। और इसमें ये चिरौंजी जो हमने लिया है, इसको चिरौंजी को हम इसको डालेंगे, जिसमें बिस्किट में अच्छा सा टेस्ट आए। अब इन सबको हम मिक्स करके इसमें ये वनस्पति घी जो हमारे पास है, हम इसी से इसको डो को तैयार करेंगे। इसमें अलग से कोई पानी और कोई दूध नहीं मिलाना है, इसी घी के हम सारे इसको पूरा डो बांधेंगे। तो यहाँ पे हमने आप देख रहे हैं कि 2 फुल स्पून हमने घी डाला है। इसको थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स करते जाएंगे, इसे हाथों से ऐसे हाथों के सहारे से इसको इसका मिक्स करेंगे, और इसी के सहारे हमको डो तैयार करना है। इसमें हम अलग से कोई भी पानी और कोई भी दूध मिल्क कुछ भी नहीं ऐड कर रहे हैं, सिर्फ इसी घी के सहारे इसको हम इसको बांध रहे हैं। देखिए इस तरह से हमको इसको हाथों से अच्छी तरह से इसको बाइंड करना है,
और बाइंड करते हुए हमें आटे की तरह गूंथ लेना है, जैसे हम रोटी और पराठे के आटे बनाते हैं उसी तरह हमको इसको बना के तैयार करना है। जितना घी लगेगा इसको ऐसे सानने में, इस तरह इसको हम जिसको अच्छे से मिक्स करके, जैसे हम आटे और पराठे का आटा तैयार लगाते हैं, रोटी का आटा सानते हैं, उसी तरह से इस तरह से अच्छे से मिला के मिक्स करके सानने में। देखिए थोड़ा सा और घी बचा है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। इसमें यहाँ पे हमने 3 स्पून ये घी लिया था, इस स्पून से देख सकते हैं, इस स्पून से हमने 3 फुल स्पून घी लिया था और इसमें हम इसको तैयार कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसको हमने 10 से 15 मिनट तक इसको अच्छे से मसल मसल के रगड़ लिया है। रगड़ने से क्या होता है, हाथों की गर्मी से इसमें जो शुगर होता है वो भी मेल्ट होता रहता है और इस तरह से आसानी से आपका डो तैयार हो जाता है। देखिए इस तरह से हमने डो तैयार कर लिया। ये बिल्कुल आटे के जैसा सॉफ्ट नहीं है, लेकिन इस तरह से देखिए बंद जाता है। इस तरह से आप दबा के देखेंगे तो एक देखिए ऐसे बन जाता है लड्डू की तरह, तो इसका मतलब ये आपका डो तैयार हो गया है। अब हम इसका बिस्किट बनाना तैयार करते हैं। तो उसके पहले हमें बना लेना कि कढ़ाई में हम किस बर्तन में बिस्किट को बनाएंगे। तो आप देखिए हमने प्लेट लिया है, इस तरह हमने एल्यूमिनियम का प्लेट लिया है। इस पर हम बटर या ऑयल या घी कुछ भी हम लगा सकते हैं। तो हमारे पास ये बटर है, थोड़ा सा हमें बटर से इस तरह से हम ग्रीस कर देते हैं अच्छे से इस बर्तन को। देखिए इसमें बटर हमने बहुत अच्छे से लगा दिया है, जिससे कि बहुत बिस्किट हमारा बिल्कुल अच्छे से बेक हो जाए पूरी तरह से अच्छे से। देखिए इसको हमने कवर करके लगा दिया ये बटर। हमारा ये तैयार हो गया पॉट, इधर हमारा ये कढ़ाई भी तैयार हो गई है। तो हम चलिए देखिए बिस्किट को हम कैसे बनाते हैं। ये मेजरिंग कप जो हमने लिया था स्मॉल सा, तो इसी में हम इस बिस्किट को बनाएंगे। इस तरह से देखिए इसमें हम डो को इसमें अंदर ऐसे दबा के इस तरह से प्रेस कर देते हैं इसके बराबर बिल्कुल, इस तरह से आप दबा के ये प्रेस कर देंगे। देखिए प्रेस हो गया एकदम बराबर, देख सकते हैं इस तरह से बराबर प्रेस हो गया। अब इसको आप इस तरह से इसे हाथ का हल्का सा फिंगर डाल के इस तरह से निकाल दीजिए। देखिए इस तरह से बन गया। अब इसको हम इस पर ट्रे पे लगाते जाएंगे और इसी तरह से हम सारे डो को ऐसे एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। देखिए इस तरह से छोटे छोटे पीसेस उठा के पार्ट्स को इस डो के इसमें दाएंगे डालेंगे और इसमें बराबर से प्रेस कर देंगे, जिससे अंदर से इसका बेस अच्छे से सेट हो जाए। फिर ऐसे फिंगर को ऐसे अंदर के साइड में ऐसे प्रेस करके यूं करके निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हम लगाते जाएंगे, एक एक करके बनाते जाएंगे। इस तरह से हम पूरा तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इस मेजरिंग कप से किस तरह से हमने बिस्किट तैयार किया है। ये देखिए इस तरह से हमने सारे बिस्किट्स बना लिए हैं। ये हमारे बिस्किट सारे बनके तैयार हो गए। ये देखिए इसमें ट्रे में जिसमें हमें बनाना है उस ट्रे में हमने तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर हम ऐसे ऐसे एक एक काजू के हाफ हाफ पीसेस लगाएंगे। इस तरह से देखिए ये काजू के हाफ हाफ पीसेस लगाएंगे। इस पर थोड़ा थोड़ा सा बटर लगा देंगे। इस देखिए काजू के बैक पार्ट पे से थोड़ा सा बटर लगा के इस पर हम इस तरह से पेस्ट करते चले जाएंगे। देखिए इस पर काजू के बैक पार्ट पे इस तरह से लगा के इसको इस तरह से पेस्ट कर देंगे। बटर लगा के पेस्ट करने से काजू इस पर बिस्किट से गिरेगा नहीं और इसमें अच्छी सी स्मेल भी आएगी, टेस्ट भी अच्छा आएगा। ये बहुत ही टेस्टी बिस्किट होता है, बिल्कुल बेकरी के से भी अच्छा लगता है, क्योंकि ये घर का बना हुआ है, अपने हाथों का बना हुआ है, तो इसमें स्वाद भी और अच्छा आता है, बहुत ही टेस्टी होता है। इस तरह से आप इसको बनाइए ज़रूर और अपने घर में से बना के ट्राई करिए। अगर आपके पास इस तरह मेजरिंग कप नहीं है तो आप इस तरह से कोई भी गोल सा शेप वाला कोई भी पॉट यूज़ कर सकते हैं, या कटर हो आपके पास उसके भी थ्रू आप बना सकते हैं। आपको जो भी पसंद हो शेप उस तरह से आप बना सकते हैं। डो आपको उसी जैसे हमने बताया उसी तरह से डो आपको तैयार करना है और आप शेप कोई भी अपने पसंद का ले सकते हैं, आप उसी तरह बना सकते हैं जो भी आपके पास शेप अवेलेबल हो। इस तरह से हमारे पास मेजरिंग कप था, हमने थोड़ा माइंड में आइडिया आया, इस तरह से हमने बनाया और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया है। देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया ये बिस्किट बन के तैयार होता है। हमने इसको फर्स्ट टाइम बनाया था, खाया, इसका बहुत ही टेस्ट अच्छा लगा, इसलिए हम इसको आपको आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए इसे बटर लगा लगा के इसके ऊपर हम लगा के रख देंगे। इधर हमारा देख सकते हैं आप एक कढ़ाई गर्म हो गया है, अब इसको हम उतार लेते हैं। अच्छे से हीट आ रही है। अब इसमें हमें अपना ट्रे, हमने देखिए बटर लगा के ट्रे तैयार कर लिया, इसके ऊपर हमने सारे बिस्किट सजा दिए हैं। अब इस पर हम इस तरह इसको रख देंगे आहिस्ते से।
इसको रख के इसको अच्छे से कवर कर देंगे। ऐसे में कम से कम 20 मिनट तक इस तरह कवर करके रखना है। 20 मिनट के बाद हम इसको खोल के देखेंगे और हमारा ये बिस्किट अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो हम इसको लो मीडियम टेम्परेचर पे करके 20 मिनट तक इसको हम ऐसे ही पकाएंगे और 20 मिनट बाद हम इसको खोल के देखते हैं। इससे 25 मिनट हो गया, हम देखते हैं बिस्किट हमारा तैयार हो गया। तो देखिए हम गैस ऑफ कर दिए हैं, ये देख सकते हैं बिस्किट हमारा तैयार हो गया। ये देखिए इस तरह से हम इसको अंदर प्रेस करेंगे, ये बहुत अच्छा सा हमारा देखिए एकदम खस्ता सा बिस्किट तैयार हुआ है। अब इसको हम इसको निकाल के प्लेट में निकालते हैं। पहले हम इसको निकाल लेते हैं, ये बहुत गर्म है, इसको बहुत आहिस्ते से पकड़ के निकालना है इसी कपड़े की हेल्प से। और इसे हम ठंडा हो जाने देते हैं। फिर ठंडा हो जाने के बाद हम एक एक करके बिस्किट बाहर निकालेंगे। बहुत ही अच्छा कुरकुरा क्रिस्पी बिस्किट बन के तैयार हुआ है। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाते हैं, 10 मिनट बाद इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए हमने बिस्किट को ठंडा किया अच्छी तरीके से, उसके बाद हमने इसको निकाल लिया। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हमारा बिस्किट बेक हुआ है। देखिए इधर से भी ब्राउन है बिल्कुल और इधर से भी बिल्कुल क्रिस्पी है। अब इसको हम फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तभी इसके खाने में इसका असली टेस्ट मिलेगा, क्योंकि उस समय बहुत ही क्रिस्पी हो जाता है, एकदम बेकरी के बिस्किट की तरह खुश लगता है खाने में। तो ये देखिए अब बहुत अच्छे से बेक हो गया है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और बिस्किट घर में बनाइए बिल्कुल बेकरी की तरह। जैसे बेकरी में बिस्किट बन के तैयार होता है, उसी तरह से हम कढ़ाई में घर में बना सकते हैं और अपने स्वाद के अनुसार इसमें हम मेवे भी डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से हम घी और ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरह से आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे जो रेसिपी हमने बनाई है ये बिस्किट देखिए बेकरी की, इसको आप शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर करिए और लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।